हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं अंकित और मैं आ गया हूं आपके पास वापस एक और फ्लाइट जर्नी लेके। तो भाई, आपने डिस्क्रिप्शन और कैप्शन का तो पढ़ ही लिया होगा, बट मैं स्टिल आपको बता दूं, आज हम फ्लाई कर रहे हैं एयर इंडिया के बिजनेस क्लास में फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। तो भाई, खास बात इस बिजनेस क्लास की ये है कि हमारा एयरक्राफ्ट एयरबस A320 नहीं होगा, जो कि मेजर फ्लीट है एयर इंडिया का। हम ट्रैवल कर रहे हैं बोइंग 777-200 LR एयरक्राफ्ट में, जिसका डिपार्चर यहाँ से 4 बजे करीब होगा और 6:20 पर शाम को ये दिल्ली पहुँच जाएगा। तो चलो फिर जल्दी से पैकअप करते हैं और चलते हैं छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 2 पर, जहाँ से हमारी फ्लाइट है। बट उसके पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट एंड प्रेस द बेल आइकन, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। वही एयरपोर्ट आ चुके हैं। मुंबई की बारिश के बारे में सुना तो ज़रूर था, आज देख भी ली, कैब तो मिल ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से कैब मिली है। वही एयरपोर्ट के अंदर आ चुके हैं और एयरपोर्ट के अंदर आते ही डायरेक्टली सामने है अपना बोर्डिंग चेक इन काउंटर। चेक इन काउंटर F से एयर इंडिया का हो रहा है, तो चलो अपनी चेक इन करते हैं, क्योंकि भाई बिजनेस क्लास फ्लाई कर रहे हैं तो एंट्री भी तो अलग से होगी। तो यहाँ पे फर्स्ट क्लास अलग है, बिजनेस क्लास अलग है, तो अभी तो हम बिजनेस क्लास हैं तो हम बिजनेस क्लास वाली लाइन में लगते हैं। वैसे ओवरऑल काउंटर खाली पड़ा हुआ है। तो ये चेक इन हो गई है और साथ में मुझे मिला है लाउंज कार्ड, अदानी लाउंज का। ये है लाउंज कार्ड जिस पर उन्होंने मेरे सारे डिटेल्स लिखे हुए हैं, तो अभी बस सिक्योरिटी करा के अपन डायरेक्ट भागेंगे अदानी लाउंज में और पेट पूजा करेंगे। तो यहाँ पे एक रास्ता था जहाँ पे सारे इंटरनेशनल पैसेंजर, डोमेस्टिक सबको जाना था, तो मेरा बोर्डिंग का स्कैन नहीं हो रहा था। तो मैंने पूछा, भाई क्यों स्कैन नहीं हो रहा है? तो उसने पूछा, सर यू आर अ बिजनेस क्लास। मैंने कहा यस। तो उसने फिर मुझे अलग रास्ता दिखाया है बिजनेस क्लास का, तो अभी मैं वॉक करके वहाँ पर जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं, कहाँ से क्या रास्ता है देखते हैं। तो अपना चेक इन और सिक्योरिटी चेक डन है, बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और अभी जा रहे हैं हम अदानी लाउंज, क्योंकि बस 45 मिनट बोर्डिंग के लिए हैं, बट अब यहाँ आए हैं और अदानी लाउंज का अपने को एक्सेस मिला है। क्योंकि जब मैंने एक इंटरनेशनल डिपार्चर से ट्रैवल किया था तो मैं अदानी लाउंज में गया था, तो जनरली अदानी लाउंज इज़ ओनली अलाउड टू बिजनेस क्लास इन फर्स्ट क्लास। अब मैंने इथियोपियन एयरलाइन से ट्रैवल किया था तो मैं उसके लॉयल्टी लाउंज में गया था, जिसका वीडियो भी मैंने अलग से बनाया है और वो लिंक का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है। तो अभी चलते हैं अदानी लाउंज, एंजॉय करते हैं अदानी लाउंज को, देखते हैं कैसा क्या एक्सपीरियंस है। तो भाई, एक लाइट सा लंच हो गया अदानी लाउंज में, जिसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है। इस वीडियो में मैंने उसके एक्सपीरियंस को कवर नहीं किया है और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो आप उसको जाके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस था। अभी जो मेरा डिपार्चर गेट है वो है गेट नंबर 53, और 3 बजे का बोर्डिंग लिखा था, तो मैं वॉक करके अपने गेट पर जा रहा हूँ। तो चलो चलते हैं। तो अपने गेट तक आ चुके हैं और एकदम राइट टाइम पे आए हैं, अनाउंसमेंट हो रहा है बोर्डिंग स्टार्ट होने वाली है। तो चलो करते हैं बोइंग 777-200 LR को बोर्ड और देखते हैं कैसा है एयर इंडिया का बिजनेस क्लास।
अभी मैं प्लेन के अंदर आ चुका हूँ और अपनी सीट पर आ चुका हूँ। तो ये जो एयरक्राफ्ट है बोइंग 777-200 LR एयरक्राफ्ट, ये एयर इंडिया को जून 2023 में डिलीवर हुआ था। और आपने काफ़ी वीडियोस देखे होंगे एयर इंडिया के बिजनेस क्लास के, जो उसमें आपने गोल्डन कलर की सीट्स देखी होंगी, 2-2-2 का कॉन्फ़िगरेशन भी देखा होगा। बट ये नया एयरक्राफ्ट है, ये इसके पहले डेल्टा एयरलाइंस के साथ था। तो जो उसका बिजनेस क्लास का जो कॉन्फ़िगरेशन है, सीट्स हैं, वो अभी भी डेल्टा एयरलाइंस की ही हैं। तो इस एयरक्राफ्ट का, इस एयर इंडिया एयरक्राफ्ट का बिजनेस क्लास जो है भाई, वो बाकी एयरक्राफ्ट के बिजनेस क्लास से काफ़ी अलग है। तो थोड़ी फ्लाइट का पुशबैक वगैरह शुरू हो जाए तो मैं आपको दिखाता हूँ इसकी सीट्स कैसी हैं, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं इसके बिजनेस क्लास में। मुंबई में हो रही है भयानक वाली बारिश, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, और उसकी वजह से हमारी फ़्लाइट हो चुकी है आधा घंटा डिले। हमारा जो गेट है वो बहुत पहले ही डिस्कनेक्ट हो चुका है, पर अभी कैप्टन ने बताया कि ड्यू टू बैड वेदर अभी कुछ आधा घंटा और लगेगा पुशबैक में। तो जब मैंने बोर्ड किया था एयरक्राफ्ट को, तो मेरी सीट पर एक पिलो रखा हुआ था, और उसके बाद हमारे पास हेडफोन्स हैं और एक ब्लैंकेट रखा हुआ है जो कि साइड में रखा हुआ था, और हेडफोन्स अपने जो इन ईयर ईयरफोन्स होते हैं वो हैं। प्लेन बोर्ड करते ही उन्होंने हमें बटर मिल्क सर्व किया, और उसके थोड़ी देर बाद हमें बिजनेस क्लास का फूड मेन्यू ऑफर किया। क्योंकि ये सिर्फ 2 आवर्स की फ्लाइट थी, इसमें हमें रिफ्रेशमेंट्स ही सर्व होने थे। मेन्यू ओपन करते ही लेफ्ट साइड में थे कोल्ड एंड हॉट बेवरेजेस के ऑप्शन। क्योंकि ये डोमेस्टिक फ्लाइट थी, इसलिए अल्कोहलिक बेवरेजेस सर्व नहीं हो रहे थे। अगर खाने की बात करें तो इसमें एक एपेटाइजर का ऑप्शन, 4 मेन कोर्स के ऑप्शन जिसमें से 2 वेज और 2 नॉन वेज और 2 डेजर्ट के ऑप्शन थे। फाइनली अराउंड 50 मिनट्स के डिले के बाद हमारा पुशबैक शुरू हुआ। इसमें ट्रे टेबल निकालने के लिए एक बटन था, जिसको प्रेस करने के बाद आप ऐसे टेबल को बाहर निकाल सकते थे। टेक ऑफ के थोड़ी देर बाद हमें हमारा मील सर्व हुआ। इस मील में मैंने ऑप्ट किया था थाई चिकन मल्टीग्रेन रैप, उसके साथ थे पोटैटो वेजेस एंड कॉर्न केक। इसके अलावा था मूंग स्प्राउट सैलेड, टोमेटो केचप का एक छोटा सा बॉटल और कॉफी फ्लेवर्ड डेजर्ट और मिंट चटनी। इसमें कटलरी भी स्टील की थी और सारी कटलरी पर एयर इंडिया की बैजिंग थी। ओवरऑल यह मील क्वालिटी, क्वांटिटी और प्रेजेंटेशन वाइज टॉप नॉच था। मिरर है और ये इसका वॉशबेसिन एरिया है। यहाँ पे एक गर्म ठंडा पानी वगैरह करने का दिया हुआ है, ये एक आपको हैंड वॉश दिया हुआ है, ये पेपर टॉवल्स वगैरह है और ये टिश्यूज वगैरह है, और ये इसका लेवेटोरी एरिया है, और इस साइड भी एक आपको मिरर मिलता है यहाँ पे। तो जितना बड़ा ये एयरक्राफ्ट है उसके हिसाब से इसका वॉशरूम थोड़ा ज़्यादा ही छोटा है, क्योंकि मैं बिज़नेस क्लास ट्रैवल कर रहा हूँ और मैंने कतर के बिज़नेस क्लास में भी ट्रैवल किया था, तो उसमें जो वॉशरूम था स्पेसिफिकली फॉर बिज़नेस क्लास वो थोड़ा अलग था, थोड़ा स्पेशियस था और फैसिलिटीज भी ज़्यादा थी।
इस एयरक्राफ्ट के बिजनेस क्लास कैबिन सूट स्टाइल के थे। इसमें एक स्लाइडिंग डोर था जो कि आप बंद कर सकते थे, जिसके बाद आपको ऐसा फील आएगा कि आपका बिजनेस क्लास कैबिन एक प्राइवेट रूम बन गया है। आइए अब देखते हैं इसके बाकी कैबिन के फीचर्स को। इस सीट के हर एक पार्ट को आप मैन्युअली एडजस्ट भी कर सकते थे। उसके अलावा इसमें चार क्विक मोड्स भी थे, अपराइट टेक ऑफ के टाइम के लिए, रिलैक्स लाउंज या फ्लैट बेड ऑप्शन। इसके अलावा सीट के पीछे साइड में दो यूनिवर्सल प्लग पॉइंट्स और दो यूएसबी पोर्ट्स थे चार्जिंग के लिए। इसके अलावा एक छोटा सा स्टोरेज स्पेस था जहां आप अपना बैग वगैरह रख सकते थे और एक बॉटल होल्डर भी था। इसका हैंडरेस्ट कवर्ड था जिसके अंदर इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का रिमोट था और एक छोटा सा मिरर था। इस एयरक्राफ्ट के बिजनेस क्लास में 1-2-1 का कॉन्फ़िगरेशन था। बिजनेस क्लास और इकोनॉमी के अलावा इसमें 48 सीट्स प्रीमियम इकोनॉमी की भी थी। प्रीमियम इकोनॉमी में 2-4-2 का कॉन्फ़िगरेशन था। इसमें हर सीट पर एक पिलो रखा हुआ था। उसके अलावा साइड में सीट एडजस्ट करने के 3 ऑप्शंस थे। इसके इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट का रिमोट भी सीट की साइड में ही था। इसमें हर सीट के पीछे एक छोटी सी सीट पॉकेट थी, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट स्क्रीन था और एक कोट वगैरह टांगने के लिए हुक था। प्रीमियम इकोनॉमी की हर सीट के नीचे एक लेग रेस्ट भी था। इस बिजनेस क्लास का इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट स्क्रीन भी काफी बड़ा था। इसका मूवीज कलेक्शन काफी वाइड वैरायटी का था। इसमें मल्टीपल कैटेगरीज थी जैसे इंग्लिश, हिंदी, वर्ल्ड सिनेमा, इंडियन रीजनल, एक्शन, कॉमेडी और भी बहुत कुछ। इसके अलावा इसमें टीवी सेक्शन था जिसमें वाइड वैरायटी ऑफ ड्रामास थे। इसमें एक म्यूजिक सेक्शन भी था जिसमें दो कैटेगरीज थी, इंडियन एंड वेस्टर्न। अमेजिंग सी फ्लाइट को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। 1.5 आवर की फ़्लाइट थी, पता भी नहीं पड़ा। इतनी कंफर्टेबल फ़्लाइट थी और खाना भी बहुत ही बढ़िया था। वही एयर इंडिया इज़ चेंजिंग फॉर रियल। काफ़ी अपग्रेडेशन हैं, जैसे ये एयरक्राफ्ट है और जैसा कि मैंने कहा ये पहले डेल्टा एयरलाइंस के साथ था, तो जो अभी भी इसका इंटीरियर है, जो कलर थीम है वो डेल्टा एयरलाइन ही है। और इवन बिजनेस क्लास सीट्स वगैरह सूट्स टाइप में हैं, तो आप इसके गेट्स वगैरह भी बंद कर सकते हो। ये अमेजिंग सी जर्नी जो थी मेरी 2 आवर्स की मुंबई टू दिल्ली की, ये मैं कभी नहीं भूलूंगा। तो चलो फिर करते हैं अपनी जर्नी को ख़त्म। पर उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू इट, प्रेस द बेल आइकन। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना और प्लीज़ कमेंट्स में बताना कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।